नहीं, पहली बात तो जो भी उन्होंने बोल रही कोर्ट का ऑर्डर्स ले लेको, उनको नॉलेज नहीं है, लीगल नॉलेज नहीं है इसके पास, अलीम साहब के पास लीगल नॉलेज नहीं है। उन्होंने टीपू सुल्तान ऑफेस्टेट कैसा हुआ, डॉक्यूमेंट्स कैसा है, सब भाई उनके पास 100 साल के डॉक्यूमेंट्स ही उनको बोल। अब जो ये ट्रिब्यूनल के केस चल को हाई कोर्ट में जो स्टे मिल को है वो नहीं रहेगा उनके पास, उसकी कॉपी नहीं रहेगा। और जो डॉक्यूमेंट्स उनको देखो ही कि पुराने बाता ओल्ड वर्ड्स इन न्यू माउथ है ना, पुराने बाता सब भी अब नए अलीम साहब के मुंह से निकल को ही सो उन्होंने होमवर्क बराबर कर को नहीं। भाई उनकी उम्र को लिहाज कर को खाली छोटे एक 3-4 बातें शेयर कर रहा हूँ सो, और उनको दावत दे तो क्या दावत बोले तो उनके ओपन चैलेंज उन्होंने कहाँ हुआ तो भी बुला दे, आधी रात को बुला दे, 24/7 अवेलेबल हूँ मैं उनके रिकॉर्ड्स के साथ, क्या घपला हो को है करोड़ों का, क्या हो को है वो सब उन्होंने दिखाए तो इसके बारे में उन्होंने वे कार्रवाई लेना, हमें खुद हमारे ऊपर कार्रवाई करा लेते। जी जनाब इरफान अहमद साहब, कल शहर मैसूर से जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ऑफ स्टेट के ताल्लुक से जो है बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं, इस वजह से जो है आप आज जो है आपके सामने आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप, ये कहाँ तक सच है और उसके ताल्लुक से आप क्या जो है सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो मैं दस्तावेज के साथ बैठ गया हूँ उसका मकसद ये है कि कल जो एक मीडिया में आको कौन वो अलीम साहब और शफी साहब बैठो जो हमारे खिलाफ इदारे के खिलाफ जो भी कंप्लेंट्स हैं जो भी इल्ज़ाम डाल को हैं उसके बारे में बात करेंगे घर को, मैं आई हूँ। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहली बात तो जो भी उन्होंने बोल रही कोर्ट का ऑर्डर्स ले लेको, उनको नॉलेज नहीं है, लीगल नॉलेज नहीं है इसके पास, अलीम साहब के पास लीगल नॉलेज नहीं है। उन्होंने टीपू सुल्तान ऑफेस्टेट कैसा हुआ, डॉक्यूमेंट्स कैसा है, सब भाई उनके पास 100 साल के डॉक्यूमेंट्स ही को बोल रही। अब जो ये ट्रिब्यूनल के केस चल को हाई कोर्ट में जो स्टे मिल को है वो नहीं रहेगा उनके पास, उसकी कॉपी नहीं रहेगा। और जो डॉक्यूमेंट्स उनको देखो ही कि पुराने बातें ओल्ड वर्ड्स इन न्यू माउथ है ना, पुराने बातें सब भी अब नए अलीम साहब के मुंह से निकल को ही सो, उन्होंने होमवर्क बराबर कर को नहीं, क्या डॉक्यूमेंट्स पढ़ को जो जजमेंट पढ़ती नो ट्रिब्यूनल का, ट्रिब्यूनल के जजमेंट में जो पढ़े स्टैंप हो इनको कौन सा होना वो इन्होंने पढ़ को बोल रही, मेरे पास ही डॉक्यूमेंट्स मैं देता हूँ, तुम्हारे पास अगर डॉक्यूमेंट्स रहे तो सामने देखो, सबको प्रेस को एक कॉपी दे डाल को, वो खुद क्वेश्चन करे इस टाइम पर उसे हाईलाइट कर को, भाई ये 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 प्रॉब्लम कर को, ये इन्हों गलत कर को ही, ये ऐसा कर को ही कर को, उन्हों बोलना सो मेरे पास ही, मैं कोसा की करता था, ये बीच में आ गया, मैं इसके बारे में तहकीकात करना, करोड़ों के रुपये का ये हो गए बंदे, अगर उनके पास रहा तो भाई उनकी उम्र को लिहाज कर को खाली छोटे एक 3-4 बातें शेयर कर रहा हूँ सो, और उनको दावत दे तो क्या दावत बोले तो उनके ओपन चैलेंज उन्होंने कहाँ हुआ तो भी बुला दे, आधी रात को बुला दे, 24/7 अवेलेबल हूँ मैं उनके रिकॉर्ड्स के साथ, क्या घपला हो को है करोड़ों का, क्या हो को है वो सब उन्होंने दिखाए तो इसके बारे में उन्होंने वे कार्रवाई लेना, हमें खुद हमारे ऊपर कार्रवाई करा लेते, हमारे ऊपर हमेज कैसा फिट करो अगर वो बोला को हमें कानून के सामने जाती हूँ। रही बात कोर्ट की ट्रिब्यूनल की, ये टीपू सुल्तान ऑफेस्टेट करो अब नवे बंजासो 1973 में मरहूम अजीज सेठ साहब बने सोए, इससे पहले मुजराई में थी सोए, जब वफ नहीं था पूरा मुजराई में था, मुजराई से इनो पूरा जितने भी प्रॉपर्टीज थी, और हमारे पास कोई से भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज नहीं है, कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है, पूरे खबरस्ताना मकाना 600 जितने भी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, वहाँ से 1 रुपया आमदनी नहीं है। ये टीपू सुल्तान वफ स्टेट कर को बनाने के बाद तब से चलने को आ रहा था, उससे पहले से मुजराई में था, मुजराई से जब आया और जो भी यहाँ के चेयरमैन हो को ही मरहूम अली अलहाज अजीज सेठ साहब से लेकर अब आपके हमारे चेयरमैन
जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब अब तक भी एमएलए मिनिस्टर सिच चेयरमैन हो का कोई सो ये चले को आया सब तक मिनिस्टर्स जो थे उनो एमएलए जो ही उनो हाजी सेठ साहब मोइनुद्दीन साहब रोशन बेग साहब रहमान खान साहब मिराजुद्दीन पटेल मुमताज अली खान उसके बाद सेठ साहब इनो एक 2020 में हमारी एक कमेटी होती है टिपू सुल्तान वफ स्टेट मैनेजमेंट कमेटी का इसके खिलाफ अब जो भी है खानदान वाले घर को बोल रही उन्हों हाई कोर्ट में 2020 दिसंबर में हाई कोर्ट में कमेटी बराबर नहीं करो डालते वो दो एक साल वहां केस चलता कोरोना के पीरियड में नहीं होगा बाद में नवंबर 2021 में केस डिस्पोज हो जाता हाई कोर्ट में हमारे जुडिशियल को नहीं आता तो मैं ट्रिब्यूनल को जाओ होगा इनो आगो ट्रिब्यूनल में केस डालते कौन है जो क्लेम कर रही है अब हमें डिसिडेंट्स कर को उन आको 2022 जनवरी में यहाँ के ट्रिब्यूनल में केस डालते केस डाल को केस चलता दिसंबर तक भी चलता जनवरी से दिसंबर तक भी केस चलता उन्हों क्या क्लेम करती कि इनो हमारे अलीम साहब ही ना उनको मैं क्या कि वो पुराने उनके पूरे वीडियोस देखता था ते पेपर ले लगा को रोड आएंगे चरणने आएंगे सब बात करते थे ये वैसा नहीं है ये हिंदुस्तान का नामचीन इदारा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है टीपू सुल्तान वफ स्टेट कर कोसा भी वहाँ अजीज स्टेट रोड का रोड भी और चरंडी के बात करते थे ना वैसा ना है जो भी बात करती विथ डॉक्यूमेंट्स बात करना इनो खाली क्या पढ़ रही DW-1 कहती इनको DW-1 क्या मालूम इच नहीं हो DW डिपोजिशन पढ़ी सो नो डिपोजिशन जो मैं विटनेस में देखो हूँ DW-1 कर को बोले तो Witness-1 मई विटनेस अब इन्हों केस डाली सो किसके ऊपर एक डिफेंडेंट वन कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दूसरा हजरत टीपू सुल्तान वफ स्टेट गंजाम श्रीरंगपटना रिप्रेजेंटेड बाय इट्स चेयरमैन तनवीर सेठ अब केस कौन हैंडल करती है सेठ साहब जाने होता कोर्ट को तो उन्होंने एज ए सेक्रेटरी पूरे लीगल जो भी मैं रहा था मैं अटेंड करने का रहता था ये तो लीगल नॉलेज पूरा है उनके तरफ से कमेटी के इसमें मैं जागो कोर्ट केसेस अटेंड हुआ जब मेरा विटनेस आया DW-1 वो बोलती सो विटनेस को वो DW-2 कोसा बोले ना DW-2 भी कोसा भी नहीं है क्या भी नहीं है DW-1 एक ही जगह सा विटनेस में 29 दिया सो और कौन भी दिए नहीं उसमें इनो लास्ट एक ऑर्डर पढ़ डालते जो ट्रिब्यूनल का द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज पार्टली डिक्रीड इट इज डिक्लेयर्ड दैट द नोटिफिकेशन पास्ड बाय द डिफेंडेंट नंबर वन ऑर्डर दो कमिटियां का इनो वहां भी मिसलीड करे क्या टीपू सुल्तान शहीद वफ डेवलपमेंट कमेटी कर को एक है टीपू सुल्तान वफ स्टेट कर को एक कमेटी है कर को एक किचक कमेटी है सो दो कमेटियां नहीं चल रही है एक किचक कमेटी है सो ये दो ऑर्डर्स निकले थे एक अक्टूबर में निकला था और एक मार्च में निकला था मार्च में क्या करो बोले तो एक आसिफ सेठ कर को उनको कोऑप्ट कर लिए थे सो ये दो जो ही टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बैला के मुताबिक नहीं ही कर को वो इसमें कोर्ट में क्या हुआ स्क्वैश करें इसके ऊपर हमें हाई कोर्ट को केस डाले उसके दौरान बीच में वक्फ बोर्ड से सीईओ को यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाए है ना मार्च 17 तारीख को 2020 पर 17 तारीख को हमें नीचे का ये ट्रिब्यूनल के कोर्ट के ऊपर उसके ऑर्डर्स के ऊपर हमें हाई कोर्ट को गए वहाँ हमना स्टे मिला स्टे कैसा मिला वो स्टे भी जो है वो कॉपी दे तो उनको पढ़ने नहीं आया तो बस तभी लॉयर करने जाको अलीम साहब को बोल रहे सो ये बस तभी लॉयर करने जाको बैठ को वो जो जजमेंट है पूरा बैठ को पढ़ लेगा बाद में आंदे वनो है ना हेंस द इम्प्लांट ऑर्डर डेटेड 27/12/2022
पास्ड बाय द कर्नाटक वफ ट्रिब्यूनल मैसूर इन ओएस 3/2022 इज स्टेट अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। आज भी स्टे में है, कमेटी बाकायदा पहले जैसा था वैसा चलने को है। बीच में एक महीना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के सर का थे ये था। और जो उनको डॉक्यूमेंट्स देखो ही किसे अलीम साहब को जो डॉक्यूमेंट्स देखो ही उनको पूरा बिठा को समझा को नहीं, उन्होंने होमवर्क भी कर लिया नहीं क्या कि एकदम मीडिया में आ जाको बोला लेंगे करो बोला को। और बाजू बिठा ले को बोल रही सुबह किसे शफी साहब को, शफी साहब उन्होंने भी एक जिम्मेदार थे सो उसे दरगाही मस्जिद के एक जिम्मेदार थे और उनके ऊपर खाली क्या भी नहीं होना आगो मीडिया में कोसे तो भी एक इदारे के बारे में बोल रहा तो मैं क्लीन हूँ भाई मैं एक इदारा चलाया मेरे ऊपर क्या भी एलिगेशन नहीं है मैं बहुत क्लीन हूँ सर अबोलाल को एक सर्टिफिकेट रख ले को मैसूर से लें दे मैसूर की DWC कमेटी से लें दे मेरे ऊपर मैं इतने साल इदारा चलाया मेरे ऊपर क्या भी कंप्लेंट्स नहीं है मेरे एलिगेशन नहीं है मैं वहाँ का क्या भी खा को नहीं हूँ भाई क्लीन हो करो बोल को सामने के दूसरे इदारे वाले बोल पूरे इदारे वाले चोरा पूरे जने चोरा इनो वंटी जो बैठ को इनो बैठ को जो बोल रही इनो पूरे ये क्या वो क्या बोलती मक्के के मौजूदा इनो सभी और बिल्ली का एक ये बोलती 40 चूहे खा को हचकू गई कर को इनो बैठ को पूरे पुराने पुराने काम कौम के वास्ते क्या कर को इनो बैठ को क्या की अब इन्हों भी थे ना दरगाही मस्जिद में थे ना एक जनेंगे एक घर को 3000 देती है और एक बोलती ना 300 रुपए दे कोएंगे वो पूछो इनके इदारे से पर वो दूसरा बात करेंगे खाली वो अलीम साहब की उम्र को लिहाज देखो मैं खाली इत्ताज बोल रहा हूँ इत्ताज क्या लीगल वे दूसरा में बोलना नहीं होता उन्होंने प्रूफ करना पूरा जो भी वो करोड़ों का ये है दूसरा उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स वो प्रूफ करना कभी भी एक जॉइंट प्रेस ओपन चैलेंज दे रहा हूँ उनको एक जॉइंट प्रेस में बैठ गया भाई तुम्हें ये खा को ही तुम्हें ये कर को ही तुम्हें ये चोरी कर डाली तुम्हें वो कर डाली कर को उन्होंने दिखाए के बाद हमें वहां का वहां बैठ गया मैं खुद बोलता हूँ हमें खुद रिजाइन दे डाल को हमना ऊपर कानूनी कार्रवाई करो करो बोलो अगर उन्होंने नहीं करे तो उन्होंने बोलेंगे क्या कर सकती उन्होंने कर ले को ये कोसा भी मामूली इदारा नहीं सेंसिटिव प्लेस ये टीपू सुल्तान वफ स्टेट जो है ये आर्कियोलॉजी के दायरे के अंदर आता सो इसमें पूरा वक्फ बोर्ड का क्या भी नहीं है प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की और सारे हिंदुस्तान में आर्कियोलॉजिकल नोटिफाइड प्रॉपर्टीज में वक्फ का रहा तो भी डायरेक्ट वक्फ वाले नहीं है यहाँ इसकी ये यहाँ हमें आज ऑफिस के अंदर बैठ को दरगाह की किली हमारे पास है मस्जिद की किली हमारे पास है अगर को बोले तो ये मरहूम अजीत शेठ साहब की बदौलत आज जो भी किले हमारे पास ही नहीं तो आर्कियोलॉजी वाले को लेटर डाल को हमें फलाने दिन उरुस कर दी हमना परमिशन दियो कर वो बोलना था जुम्मा जुम्मा को कार्डन दिखा को नमाज पढ़ने आना था यहाँ का ऐसा है अदमिया में एक गलत ये फैला रही यहाँ की आमदनी बहुत है यहाँ की आमदनी क्या भी नहीं है यहाँ की आमदनी है सो पार्किंग और स्लीपर कलेक्शन से हमारे पूरे इतना बड़ा इदारा है टीपू सुल्तान वफ स्टेट कर को 40/9 प्रॉपर्टियाँ ही 40/9 प्रॉपर्टियाँ भी पूरे कब्रस्तान आई सो कब्रस्तान मकान आई सो एक भी कमर्शियल प्रॉपर्टी जहाँ से हमने एक रुपये का आमदनी आती करने का कोसा भी नहीं है। रही बात 18 दुकान ही है हमारे सामने के 12 श्रीरंगपटन के अंदर 6 दुकान ये छोड़े तो रेंटेड प्रॉपर्टीज कोसे भी नहीं है हमारे पास हमारे अखराजात क्या है हमें कितने मस्जिदों को मेंटेन कर रही हैं हमारे महीने की करंट की बिल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने आती हैं कितने मस्जिद आला का कितना आता है यहाँ का कितना आता है पूरा अगर उनके पास डिटेल्स रहा तो बैठ को बात करें दे हमें ये करेंगे। और बिना मतलब के सेठ साहब का नाम लेना जब सेठ साहब यहाँ को आए टीपू सुल्तान वफ स्टेट को 10 साल पहले जब उन्होंने चेयरमैन होकर आए तो हमें उनको दिए सो पैसे कितने मालूम है 70/2000 रुपए हमारे अकाउंट में पैसे थे सो जबकि उस महीने का सबका हदिया सैलरी सब भी देना था सो 1,10,000 रुपए 70/2000 दिए आज हमें बोलती कर्नाटका का नंबर 1 वफ इंस्टीट्यूशन जो 4.5 करोड़ रुपए बैंक में डिपॉजिट रखो है ये
इसकी पूरी क्रेडिट जाता सा तनवीर सेठ साहब को, है ना। यहाँ क्या करको ही काम, क्या डेवलपमेंट करको ही, एक दिन आन दे उनो पूरी जगह बुला लग जाको दिखा को, और उन्होंने एक कोई गली की मस्जिद करवा समझनी टिपू सुल्तान वफ स्टेट, ऐसा नहीं है ये। ये यहाँ का मसला चलग है, तुम ना मीडिया वाले को मालूम साल में कितने टाइम मस्जिद वाला का मैटर आता है, क्या क्या आता है, इसे कैसा हैंडल करनी। ये यहाँ अगर सेठ साहब नहीं रहते तो एक तो खुदरतन अल्लाह ताला उसके घरान की हिफाजत करता है, मगर जरिया भी बनाता है, वो जरिया बन गए सो सेठ साहब। उनसे आज ये इदारा जो भी है जितना डेवलपमेंट करी, अभी आगे 50 साल हुआ तो भी होता ये नहीं होता, जितने प्रॉपर्टीज हमें यहाँ इन बोल रही ना प्रॉपर्टियां ये कर डाले वो कर डाले कर को, कौन से प्रॉपर्टीज को हमें हदबस्त कर को ही, कंपाउंड्स डाल को ही, क्या क्या कर को ही, वो सब भी उन्हों आको बैठ को एक दिन नहीं तो दो दिन नहीं तो आको यहाँ पूरा देख लेगा। उसके बाद एक जगह बैठ को मैं तुम्हारे मीडिया के इससे उनको दावत देता हूँ, पांच कहाँ हुआ तो भी उन्होंने बुला दे, आधी रात को भी बुला दे, 24/7 मैं अवेलेबल हूँ, कभी भी मुझे फोन करो, ऐसी जगह हमें तय कर को ही कर को बोले तो चाहे आज शाम नहीं तो सुबह कभी भी उनके डॉक्यूमेंट्स जो भी रख ले को बैठी उन्हों कर ले को बुला दे हमें, उनको क्या देना। रही बात दूसरी, अब उन्होंने जो बोल को ही अगर उन्होंने ये नहीं करे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्या करना, एक तो कोर्ट में केस है नहीं, कंटेम्प्ट होता उनके ऊपर जी, हाई कोर्ट का जो ये है, और जजमेंट गलत पढ़ना भी बहुत बड़ा ऑफेंस है। इन्हों खाली डिपोजिशन में जो है वो पड़दाल को इसका किसका अभी नो बैला इसका कमेटी का बोले काम ही यहाँ नहीं छे, वो टीपू सुल्तान ऑफ स्टेट डेवलपमेंट कमेटी हजरत, वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कमेटीज करके आती, बड़े बड़े पैसे गवर्नमेंट से ले लगाना तो भी उसे बहुत ताकत होना, कौन भी मामूली इंसान नहीं ले लगाता है नहीं। तुम ना क्या मालूम है, बातचीत करे तो उसका एक क्या तब एक हवाला ले लेगो ऐसा है। अब हमें यहाँ काम कैसा करा को ही करो बोले थे, यहाँ के डेवलपमेंट काम शायद ही पूरे स्टेट के अंदर अब जितना भी फंड्स आता है स्टेट गवर्नमेंट से होंगे, माइनॉरिटी से होंगे, वक्फ बोर्ड से होंगे, वो मस्जिद वाले वो दरगाह वाले क्या करती उन्होंने छोड़ को काम कराती, मगर हमें क्या करती बोले तो हमें बाकायदा पेपर में टेंडर नोटिफिकेशन डाल को टेंडर्स बुला को ओपन टेंडर्स बुला को, और वो भी क्लास वन कंट्रैक्टर से टेंडर्स बुला को, जितने भी हमें काम करा को ही पूरे टेंडर्स बुला को ओपन टेंडर्स पेपर में नोटिफिकेशन डाल को बाकायदा गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं उसके मुताबिक हमें काम कराती। सो यहाँ पूरे कमेटी वाले मिल जाको, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मेम्बरा मिल जाको, मैं ये काम करा लेता हूँ तो वो काम करा ले, वैसे सब क्या भी नहीं है यहाँ पूरा ट्रांसपेरेंसी। ये पूरा ट्रांसपेरेंसी क्या करो बोले तो सेठ साहब का ये कोसा भी काम हमें डायरेक्ट नहीं करना। अब उन मैसूर में छीना काम दिख रहा नहीं क्या उनको, उन्होंने कितना डेवलपमेंट करी, यतीम खाने के अंदर कितना कर को ही, वो सब दिख रहा नहीं उनको, काम कर रही सो क्या क्या कर को ही कर लगो। अगर तुम्हारे पास कोसा भी हवाला रहा कौन सा इनो इलीगल चला लगवा रही करोड़ों के करोड़ ऑफ रुपीस, क्या समझ लें टीपू सुल्तान वफ स्टेट में टीपू सुल्तान शहीद होने के टाइम में यहाँ हीरे जवाहरात सब भी रखो चले गए थे, वो हमें यहाँ जरे जरे निकाल ले को हमें वो घपला कर ले को ही कर ले को इतना 600 है ना। जिस दिन से सेठ साहब है तब से लेको आज तक एक एक इसका भी हिसाब किताब है, कभी भी आगे पूछे दे हमें बैठ को उनको टाइम भी लेते नहीं, अब आग पूछे तो इमीडिएट दे डाल दी आको इसे कैसा करे उसे कैसा, वो गोलमाल कर को रहती नहीं, अब उन्होंने बाजू बैठ को बोले नहीं दो दो अकाउंट आ रखी कहाँ कहाँ की करको, उन्होंने गोलमाल करको ही ना उन्होंने बोल को देखो ही सो मैं ऐसा चोरी करको हूँ इन्हों भी करते रहेंगा कर लेको, उन्होंने बोल को देने में पाप उनको अलीम साहब के मुंह से बात निकली है सो उन्होंने भी गुस्से भी दारे में ही मालूम नहीं हमना, अगर रहा तो वहाँ करते रहे तो हमारे भी खिलाफ उन्होंने वो बातें कर रही सो को सा चोरी का चुरा दले करप्शन से सब भी करको, ये उनको ओपन चैलेंज उन्हों कल बैठ को बोल को ही ना ये ओपन चैलेंज दे रहा हूँ मैं कि उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं
मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? अभी बोला लिया कोर्ट का स्टे है, वो होगा, और उन्होंने जो ये पढ़ को ही जजमेंट पढ़ को ही वो गलत जजमेंट पढ़ को ही वो पूरा आधे इसका वो हाफ नॉलेज रख लेगा ऐसे आदमी पढ़ता, ऐसा नॉलेज नहीं है उनको, लीगल नॉलेज होना तो कोर्ट के ऑर्डर्स जो ही अब उनको जो ने पेपर्स देखो है वो ये नहीं दिया रहेगा, हाई कोर्ट का स्टे है उनको वो नहीं दिया रहेगा, अगर उनको मालूम रहता तो हाई कोर्ट का स्टे है तो उन सब बात नहीं करते थे वो सेठ साहब। छवे महीने में एक लेटर डाल गो ही कैसा वो उन्होंने चेयरमैन ही कर को सेठ साहब, और मार्च 17 से चेयरमैन हो गए, फेब्रवरी 18 को हमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आको चार्ज लिए थे, और मार्च 17 को जब हमना स्टे मिला तब से He is still chairman of Tipu Sultan Waqf Estate. ये गलत चीज हम बोल को नहीं नहीं सो तुम्हारा जो भी है वहां रख लियो, पर्सनल जो भी है मैसूर के रोड आएंगे चरण आएंगे वादा तुम्हें कर लियो, वफ में बात करना अगर वो बोले तो वफ क्या पहले वो जानो, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट सही कर को बोल रही कितने की जने कौन कौन क्या क्या करी कर को, मेरे खानदान की एक प्रॉपर्टी वफ कर को ही वो भी तुमने मालूम रहेगा, अगर तुमने मालूम रहा तो वो भी ले लगाओ, प्राइम प्रॉपर्टी आज के जमाने की करोड़ों की प्रॉपर्टी वो मेरे दादा वफ कर को ही सो वो भी है, वो भी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स रहा तो तुम्हें ले लगाओ बैठो, ये कब बोल दी तुम्हें आज बोले तो आज सुबह बोले तो सुबह कब बोल दी तब मैं आको उसका पूरा डिटेल्स देने रेडी हूं। और एक बात भाई मैसूर की आवाम को श्रीरंगपट्टन गंजाम के अवाम को भी ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे अजमेर के बात सुनको उनके दिला में अगर जरा सा भी डाउट है नहीं क्या तो भी हाँ ऐसा वैसा चल रहा करने का रहा तो हमें हर टाइम ऑफिस में अवेलेबल रहती, हमारे पास आन दे पूछें दे क्या है हमें देने रेडी ही, क्या ओपन यहाँ क्या भी छपा को करना हमें घपला कर लेना करप्शन कर लेना ऐसा सब क्या भी नहीं। अब मैं आपको ऐसा ओपन बोल रहा हूँ तो मैं सही रहने में ऐसा आपको सामने बोल रहा हूँ, अब उन्होंने कल बैठा को डॉक्यूमेंट सिंगर वो बोला ले लगा को इनका इनका काम ही चो खाली बेकार के वो अब लास्ट टाइम भी सुनिया था मैं इनके वीडियो इसके टाइम में रोड के रोड का काम ही करा नहीं सो बिल्ला खा लिए ये खा लिए वो खा लिए कर ले खाली सुने सोचे अब तक उसके ऊपर क्या भी एक्शन लिए नहीं, अब वो छोड़ डाल को अब इसका शुरू कर को ही रही बात इन जो 30% इनको देना कर को हमें लॉकडाउन के पीरियड में क्या कर को ही हमारे श्रीरंगपट्टन के हर एक घर को जाको गंजाम के हर एक घर को जाको उन्होंने पूछ लें दे भाई टीपू सुल्तान वफ स्टेट से तनवीर सेठ साहब चेयरमैन ही ना उन्होंने तुम्हारे तकलीफ के टाइम में क्या कर को ही करो हमें नहीं बोलते आवाम बोलती है यहाँ की आवाम बोलती है उनको जाको उन्होंने पूछ लेगो बाद में उन्होंने आंदे पूरा अच्छा और एक अलीम साहब और हमारे इनको शफी साहब को अच्छा होमवर्क कर लेगो तुम्हें दूसरे आएंगे इदारे आएंगे बोले रहेंगे मगर यहाँ का इदारे में बोलना तो अच्छा बैठ को होमवर्क कर लेगो लीगल वाले से बात करो जो अच्छा नामदार लॉयर होता है उनके साथ बैठ को लीगल बात कर लेगो ये करो। शफी साहब तुम्हारे बारे में भी मैं बोलता हूँ पहले तुम्हारा गिरेबान में तुम्हें झांक लियो तुम्हें क्या कर को ही कर लेगो तुम्हें जो तुम्हारे कमेटी के मेम्बर आएंगे फोर्जरी सही ना कर को ही तुम्हें आगो बाजू बैठो कैसा बोलती शफी भाई तुम्हें तुम्हारे पर केस नहीं चल रहा है उसके डिटेल्स मैं दियो अब ये भी मैं ले लगाता हूँ तुम्हें भी आना तुम्हें भी बैठो क्या की रिपोर्ट सिंगर को बोल रही ना तुम्हें भी बैठो तुम्हारे खिलाफ जो ही हो मैं ले लगा को मैं प्रोड्यूस करता हूँ दरगाही मस्जिद में तुम्हें क्या क्या कर को ही और मैं तुम ना प्रोड्यूस कर को मैं भी देता हूँ तुम्हें भी दियो क्या क्या देखो ही तो कौन कौन किसके ऊपर क्या क्या एक्शन लेती लेंगे इंशाल्लाह।